सिंगरौली के सरई तहसील में टीएचडीसी और एसएल्स माइंस कंपनी के लिए अधिग्रहण हो रहा है, जिसकी जनसुनवाई कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने की। इस दौरान जनसुनवाई में आए लोगों ने मांग की है कि पहले टीएचडीसी क्षेत्र के प्रभावित विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, उसके बाद ही आगे अधिग्रहण की कार्रवाई हो। बंधा और पेड़रवाद पचौर सहित आधा दर्जन गाँव की टीएचडीसी व एसएल माइनिंग कंपनी के लिए अधिग्रहण हो रहा है। सुनवाई में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, प्रशासनिक अधिकारी, टीएचडीसी कंपनी के अधिकारी एके शर्मा सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। जनसुनवाई में आए विस्थापितों ने कहा कि पहले टीएचडीसी क्षेत्र के प्रभावित विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण हो, इसके बाद ही आगे अधिग्रहण की कार्रवाई हो। विस्थापितों का कहना है कि कन्वेयर बेल्ट में फंस रहे क्षेत्र की जमीनों का विधिक तरीके से अधिग्रहण हो। इसके साथ ही जिनकी जमीन कन्वेयर बेल्ट में आ रही है, उन्हें घर सहित अन्य उपयोग की चीजें बनाने से रोका न जाए। जनसुनवाई में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कंपनियों से प्रभावित हो रही जमीनों के संबंध में लोगों को जानकारी दी। वहीं कांग्रेस नेता दरोगा पाठक ने कहा कि 16 साल से टीएचडीसी क्षेत्र के प्रभावित इस विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। कई लोग असमय काल के गाल में समा गए, जिनको जमीनों का पैसा नहीं मिला और बिक्री खरीदी पर प्रतिबंध के चलते ये लोग जमीन बेच नहीं पाए, जिससे इन लोगों ने पैसे के अभाव में अपने बेटे बेटियों की ना तो शादी की, ना ही बीमारी में पैसे के अभाव में इनका इलाज हो पाया। अपने जनरल परिचर्चा थी, सुनवाई जो जनसुनवाई होनी है उसकी जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत उसका प्रकाशन होगा, उसमें जनसुनवाई होगी और वो निरंतर जो अपना अधिनियम है उसके अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ हैं वो जो विभिन्न प्रकार के जितने भी सिंगरौली जिले में ब्लॉक आवंटित हुए हैं उसके अनुरूप वो कार्रवाइयाँ चलेंगी। देखिए, टीएचडीसी 2004 से लग रही है और अभी हमने कलेक्टर साहब से भी कहा, 7 कलेक्टर इसके पहले आए, जितने कलेक्टर आते हैं उतनी तरह की बात करते हैं। हम लोग बूढ़े हो गए, आवेदन देते देते आवेदन पे आवेदन आवेदन पे आवेदन, कलेक्टर साहब इसके पहले भी 2 बार यही कलेक्टर आ गए, बोले 1 महीने में निराकरण कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, झूठा आश्वासन हम लोगों को दिया जा रहा है। वहीं टीएचडीसी कंपनी के अधिकारी एके शर्मा ने कहा कि हम जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं जिला प्रशासन की कमी की वजह से मुआवजा वितरित नहीं हो पा रहा है। देखिए साहब, ऐसा है, पहले तो ये कोल ब्लॉक एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को आवंटित था, 2017 में जाकर टीएचडीसी को आवंटित हुआ है, तो ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत आवंटित हुआ है कि जो पुरानी एमपी से ये एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन से जो भी अवार्ड पास हुआ है उसी को लेकर हमको आगे बढ़ाना है, तो उसके तहत सारे निर्णय टीएचडीसी ने अपने तरफ से अपने बोर्ड से पास करा के काश्तकारों को उचित मुआवजा देने के लिए सारे निर्णय दे चुका है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।